एवरीवन, आई एम साकेत बाजपेई, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिक्स्थ प्रॉब्लम ऑफ कैन यू क्रैक इट सीरीज, वेयर टुडे वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट हैपन इन मिराज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज मैंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसपे बहुत लोग मेरे से सहमत नहीं भी होंगे, पर मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हो करके और अपने दिमाग में जो भी आपने पढ़ रखा है मिराज के बारे में उसको थोड़ी देर तक, जब तक ये वीडियो चल रहा है तब तक उसे निकाल दें। उसके बाद आप अपनी राय दोबारा अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाल फिलहाल में ही एचसी वर्मा जी ने भी इस इशू को रेज करा है, तो अगर आप चाहें तो उनका वीडियो भी आप एचसी वर्मा जी का देख सकते हैं यूट्यूब पे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी किताब में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करा है कि मिराज का जो रीजन है वो TIR से एक्सप्लेन किया जाए। चलिए तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन फिलहाल सुन लीजिए। पहला कंफ्यूजन जो लोगों को है वो है कि डज द लाइट वेव बिकम हॉरिजॉन्टल एनीवेयर, क्योंकि बहुत जगह मैंने मिराज का एक्सप्लेनेशन देखा, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज में भी देखा, बहुत सारी बुक्स में भी देखा, वहां पर वो इस तरीके से दिखाते हैं, है ना, मतलब कि पहले दिखाते कि ऐसे थी, फिर दिखाते ऐसी हुई, फिर दिखाते ऐसी हुई, और यहां पर बोल देते हैं कि यहां पर जो है कोई एक एंगल ऐसा आया जहां पर TIR हो गया, है ना, इस तरीके का कुछ दिखा देते हैं। मतलब यहां पर वो ये नहीं दिखाते हैं कि ये जो लाइट रे है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई थी। तो चलिए पहला कंफ्यूजन जो आपका है कि डज द लाइट वेव बिकम हॉरिजॉन्टल एनीवेयर, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं आपके कंफ्यूजन को विथ प्रूफ। और आपने एक किताब का नाम सुना होगा रिसनिक हैलिडे वॉकर, उसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग सेगमेंट में डील किया गया है, मिराज अलग सेगमेंट में डील किया गया है, दोनों में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, है ना। तो चलिए मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा रहा हूं रिसनिक हैलिडे वॉकर किताब का, देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। पहले तो मैं एक मिराज का एग्जाम्पल दिखा देता हूं जो यहां पर उन्होंने शो करा है ना, चलिए देखते हैं ये क्या है। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्चुअल इमेज इज अ पूल ऑफ वॉटर That appears to lie on the road some distance ahead of you on a sunny day. ये आप लोगों ने अक्सर महसूस करा होगा जब बहुत गर्मी के टाइम में आप हाईवे वगैरह पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको दूर में ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पर पानी तो नहीं है, है ना, तो जब आप पास आते हैं तो दिखता नहीं, नहीं पानी नहीं था। ऐसा नहीं है कि गर्मी के कारण जब तक आप वहां तक पहुंचते हैं तब तक पानी उड़ गया होता है, नहीं वो बात नहीं होती है, उसका रीजन कुछ और होता है। द पूल इज अ मिराज, मिराज का मतलब क्या हुआ, अ टाइप ऑफ इल्यूजन formed by light rays coming from the low section of the sky in front of you, जिसको इन्होंने इस डायग्राम में देखिए दिखाया है। As the rays approach the road, they travel through progressively warmer air that has been heated by the road, which is usually relatively warm. Obviously बात है कि गर्मी जो है उसको सड़क absorb करता है और फिर वापस से re-radiate करता है ना, ये वापस से radiate जब करता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो पास की air है वो क्या हो जाती है, और ज्यादा गर्म होने लगती है, जिसके कारण अगर लाइट रे ऐसी आ रही थी तो अगली लेयर जो है हमें पता है कि ये और ज्यादा गर्म है, मतलब ये और ज्यादा रेयरर है, तो यहाँ पर ये और ज्यादा एंगल बनाने लगती है, तो ये कंटिन्यूअस वे में होता है जिसके कारण ये पूरा का पूरा एक स्मूथ रे जैसा दिखाई देता है। ऑलराइट, आगे देखते हैं रसनिक हैलिडे साहब ने, वॉकर साहब ने क्या लिखा है। विद एन इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द एयर एंड हेंस द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द एयर डिक्रीजेस स्लाइटली, जैसा मैंने कहा था कि वो रेयरर होता जाता है। Thus, as the rays descend, encountering progressively smaller indexes of refraction, they continuously bend toward the horizontal. अभी तक उन्होंने डायग्राम में ये चीज दिखाई कि किस तरीके से ये बेंड होता जा रहा है। आपको वैसे फील तो आ रही होगी कि यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो लाइट रे है वो कैसी हो गई, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई। इसको उन्होंने लिखा भी, आइए देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। Once a ray is horizontal, देखिए यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, तो अगर इतनी बड़ी बुक ने, इतने बड़े ऑथर वाली बुक ने, जिसको फॉलो करके इंडिया में बहुत सारी बुक बनाई गई है, अगर उन्होंने ये लिख दिया है तो इसे हमें सत्य मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की बेसिकली जिसमें ये चीज मेंशनड है, उस पर भी आएंगे हम। तो पहली चीज तो देखिए, once a ray is horizontal इन्होंने लिखा है, Once a ray is horizontal somewhat above the road surface, it still bends because the lower portion of each associated wavefront is in slightly warmer air and is moving slightly faster than the upper portion of the wavefront.
अब देखते हैं ये सी जो डायग्राम है ये कहां पर है। ये रहा वो डायग्राम सी डायग्राम जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये आ रही थी और फिर बेंड कर गई। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर ये क्या कर गई, बेंड कर गई, बेंडिंग हुआ यहाँ पर, है ना। इट स्टिल बेंड्स, और क्यों बेंडिंग हुआ उस पर हम लोग आएंगे। अभी जो पहला पार्ट है उसमें मैं बस आपका पहला कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये आप ध्यान दीजिए कि रे जो है वो क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है। मैं दूसरे पॉइंट पर भी आऊंगा, अभी रुकिए थोड़ा। It still bends because the lower portion of each associated wavefront is in slightly warmer air and is moving slightly faster than the upper portion of the wavefront. इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर देते हैं because के बाद वाले को, क्योंकि इस पर अभी मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। This non-uniform motion of the wavefronts bends the ray upward. इस पर भी आऊंगा ना, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है इस पर मैं अभी आऊंगा। As the ray then ascends, ascend करने के बाद तो मुझे नहीं लगता आपको confusion है, फिर से वापस ये किस तरीके से behave करती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाती है density जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, वो denser होता जाता है, तो इसलिए वो ऐसा diagram बनता है। It continues to bend upwards through progressively greater indexes of refraction. अब जो मेरे मन में doubt आया कि जब ये horizontal हो जा रही है, हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि भाई अगर ray जो है, है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा ग्लास स्लैब होता है, यहाँ पर रे एंटर करती है तो वो सीधी जाएगी, आपने ऐसा पढ़ रखा है और दिया रहता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो फिर ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये सीधी क्यों नहीं भाग लेती है। तो आइए उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अगले सेगमेंट पर, जो कि ये कंफ्यूजन नंबर टू। कंफ्यूजन नंबर टू है, व्हाई डज इट बेंड अपवर्ड्स आफ्टर गेटिंग हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ये जो प्रश्न मैंने उठाया, ये सिर्फ मैंने नहीं उठाया, जेई मेन 2015 में भी उठा था, उसमें देखिए एक ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया है ना, ऑन अ हॉट समर नाइट। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल रिसेम्बलेंस है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेस विद हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब उन्होंने बोल दिया कि अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइट बीम ले, है ना, व्हेन अ लाइट बीम इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली द हाइगेंस प्रिंसिपल लीड्स अस टू कंक्लूड दैट एज इट ट्रेवल्स द लाइट बीम। अब चार ऑप्शन उन्होंने दे दिए, बेंड अपवर्ड होना चाहिए, बेंड डाउनवर्ड होना चाहिए, बिकम्स नैरोअर, और चौथा ऑप्शन था goes horizontally without any deflection. तो अभी आपको पता है कि इसका जवाब क्या होगा, bends upwards. बहुत सारे लोगों ने goes horizontally without any deflection पे टिक मार दिया था उस साल, तो उनका गलत हो गया था obviously, क्योंकि ये bend upward करेगी। अब आइए ये bend upward क्यों कर रही है, इसको मैं explain करता हूँ एक और बहुत ही international, एक बहुत ही renowned international foreign author की book, Paul G. Hewitt की conceptual physics किताब के थ्रू। पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर उन्होंने डायग्राम बना रखा है एक और मिराज का, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि रे इस तरीके से जा रही थी और फिर जाते 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 बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उन्होंने फिर से क्या दिखा दिया, एक वर्टिकल वेव फ्रंट। वर्टिकल वेव फ्रंट मतलब कि जो रे है वो कैसी हो गई होगी, यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई होगी, क्लियर है। और उन्होंने दिखा दिया कि इसकी इमेज इस तरफ दिखाई देती है, आप यहाँ पर हो सकता है कहीं ऊंट वगैरह पर बैठे हो तो जिसके कारण आपको यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पेड़ है उल्टा। तो खैर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द एवरेज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय कंसीडरिंग द एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ टॉय कार्ट व्हील्स। ये देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप बचपन में खिलौनों से खेला करते थे तो इस तरीके का खिलौना आपने देखा होगा जिसमें क्या होता था, आगे पीछे सिंपली दो चक्के इस तरीके के लगे होते थे। तो आप क्या करिए, पूरे के पूरे उस कार को तोड़िए और ये दो चक्कों को निकालिए जो एक दूसरे से एक पतले से रॉड से कनेक्टेड होते थे। इसी को क्या कहा गया, टॉय कार्ट व्हील, कनेक्टेड टू एन एक्सल एज द व्हील्स रोल जेंटली डाउनहिल। देखिए यहां लिखा है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय कंसीडरिंग द एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ टॉय कार्ट व्हील्स कनेक्टेड टू एन एक्सल, ये एक्सल है, एज द व्हील्स रोल जेंटली डाउनहिल फ्रॉम द स्मूथ साइडवॉक ऑन टू अ ग्रास लेन। मान लीजिए ये पहले एक स्मूथ सड़क पे चल रही थी इस तरीके से, है ना, यहां से इस तरीके से आ रही थी और अचानक से किसको एनकाउंटर करा इसने, ग्रास को एनकाउंटर करा। देखिए वही यहां पर लिखा है, यहां पर थे ना हम, हाँ, ग्रास लॉन, ऑन टू अ ग्रास लॉन, इफ द व्हील्स मीट द ग्रास एट सम एंगल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसी एंगल पर ये मीट कर रहा है, दे विल बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन कोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द रोलिंग व्हील्स इज शोन बाय द डैश लाइंस। ऐसा हम लोग मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो अपनी दिशा को थोड़ा सा चेंज करेगा। नोट दैट ऑन मीटिंग द लॉन वेयर द व्हील्स रोल मोर स्लोली ओइंग टू इंटरैक्शन विद द ग्रास द लेफ्ट व्हील स्लोस डाउन फर्स्ट। तो रीजन पर अब आते हैं, हुआ क्या कि अभी ये जो व्हील है
ये ग्रास का हिस्सा बन गया, ग्रास पे आ गया। लेकिन ये वाला जो है ये तो अभी भी कहां पर है, साइडवॉक पे, जो थोड़ा स्मूथ था। तो ग्रास जो है थोड़ा रफ हो गया, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई कम। लेकिन इसकी स्पीड में तो कोई भी चेंज नहीं है, इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन में क्या रह गई, ज्यादा। तो अब आप सोचिए कि अगर मेरे पास एक रॉड है जिसका एक एंड जो है वो कुछ स्पीड से जा रहा है, और लेकिन दूसरा जो ये जो पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट, ये जा रहा है ज्यादा स्पीड से, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से घूमेगा तो जरूर। वही इसके साथ भी होता है, पिछला ये जो लेफ्ट वाला चक्का, ये अभी ग्रास में एंटर कर गया जिसके कारण स्पीड कम हो गई, लेकिन ये वाला हिस्सा तो अभी भी कहां पर है, साइडवॉक पर है, जिसके कारण अभी इसकी स्पीड उतनी ही है लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा लग रही है। तो इसके कारण मुझे क्या फील आ रहा है कि वो कुछ इस तरीके से घूमेगा, और जो कि यहाँ पर बेंडिंग के तौर पे दिखता है। द फास्टर मूविंग राइट व्हील टेंड्स टू पाइवट अबाउट द स्लोअर मूविंग लेफ्ट व्हील बिकॉज ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल द राइट व्हील ट्रेवल्स farther than the left one. This action bends the direction of the rolling wheels towards the normal. है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग डेंसर मीडियम में आते हैं तो लाइट रे क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। द स्लाइटली डैश लाइंस परपेंडिकुलर टू द ग्रास साइडवॉक बॉर्डर एज शोन इन फिगर 28.23। ये 28.23 नंबर का फिगर था। तो अगर मैं इसको आपके लाइट रे के साथ कंपेयर करूं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मान लीजिए कोई भी, अगर मैंने एक लाइट रे लिया, कोई भी अगर मैं किस तरीके से लाइट रे चुन रहा हूं, है ना, तो वो कितना भी पतला आप चुने वो क्या होगी, बंडल ऑफ रेज होगी। उसमें कोई एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट नहीं होती है, वो हमेशा एक बीम ऑफ लाइट होता है जिसमें बंडल ऑफ रेज होती है। समझ रहे हैं मेरी बात, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी अगर लाइट निकल रही है तो उस पतले से लाइट रे को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वो बहुत सारे छोटे छोटे लाइट रेज का, पतले पतले लाइट रेज का कलेक्शन है। दैट इज, इट इज अ प्रैक्टिकली अ बीम ऑफ लाइट। तो अब आप यहां पर सोचिए कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि नीचे वाली जो एयर है वो हॉटर है एज कंपेयर टू द अबव एयर विच इज ऑल्सो हॉट बट लेस एज कंपेयर टू द बॉटम वाली लेयर। तो ये हॉटर है, तो इसकी डेंसिटी के हिसाब से अगर बात करें तो ये क्या है, रेयरर है और ये डेंसर है। समझ पा रहे हैं? तो रेयरर में क्या होगा, रेयरर में होगा कि इस लाइट बीम के नीचे वाले पोर्शन की स्पीड होगी ज्यादा और ऊपर वाले की स्पीड होगी कम, क्योंकि ये डेंसर में है। तो इसी कारण से क्या होता है कि ये रे अब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होने के बावजूद भी ये बेंड करती है। तो फिर क्या दिक्कत है ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब में क्या होता था कि अगर लाइट रे एंटर कर रही है और यहां पर ग्लास स्लैब है तो उस ग्लास स्लैब की डेंसिटी अगर हम लोग कॉन्स्टेंट मानते थे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसीलिए वो सीधे निकल जाती थी। लेकिन यहां पर बात अलग है, यहां पर नीचे रेयरर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो मीडियम एक्चुअली डेंसर हो जाएगा जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बात? तो सारा खेल किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ऑलराइट, तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा एक बार फॉरेन ऑथर्स की जो रिलायबल बुक्स हैं उनको एक बार आप खुद से भी रेफर करिएगा, है ना, और उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आपको कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने अपना नंबर भी शुरुआत में दे रखा है, मेल आईडी भी दे रखी है, आप अपने जो क्वेरीज हैं या फिर जो आपके सजेशंस हैं या जो आपका फीडबैक है वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ऑल राइट, सो टेक केयर, बाय बाय।